उधर श्याम द्वारकाधीश हो गए और वहां महाराज सुधर्मा सभा बड़ी सुंदर शोभायमान हो रही है। उधर एक राजा थे भीष्म, उनके घर में पांच पुत्र हैं, रुकुमी, रुकुमरत, रुकुमबाऊ, रुकुमकेसी, रुकुममाली। उनके घर में एक बिटिया ने जन्म लिया। ध्यान देना, हमारे परीक्षित महाराज और देवी परीक्षितानी जी की बड़ी फरमाइश थी कि मेरे श्याम सुंदर का विवाह जरूर सुनाना, तो इसलिए हम ध्यान देते रुक्मणी कृष्ण के विवाह पर। अरे देवी ने ली दो जन्म है के आई के समय पर आए हो, मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, जरा नामकरण संस्कार कर दो। तो महाराज नारद जी ने उस कन्या के हस्तरेखा को देख करके आज नाम बड़ा सुंदर रखा। क्या नाम रखा? बिटिया को देख के हाथ कहीं मुनि बात गिरा उचारी, तेरे घर में राजा जन्मी है सुंदर सी। बनेगा वो यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, नारद जी ने खूब महाराज बिटिया की बड़ाई की है और नारद जी दर्शन करने के बाद चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और एक समय ऐसा आया कि महाराज रुक्मणी अपनी सहेलियों के साथ बैठी बैठी गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही थी। सोई रुक्मणी की मैया ने आवाज लगाई, ए रुक्मणी, ललित रुक्मणी। हाँ मैया, क्या कर रही हो? कुछ ना, मम्मी गुड्डा गुड़िया की शादी खेल रही है। अब ललित बड़ी हो गई, अब तुम गुड्डा गुड़िया खेल रही हो। महाराज 17 वर्ष की होने जा रही है। और जैसे ही महाराज ऐसी बातें सुनी, सोई रुक्मणी की मैया के दिमाग में झटका लगा, हाँ मेरी बेटी भी तो हो गई, अब शादी लाए। अरे रानी ने मन में कही, लली हुई गई बहुत मेरी शानी, पर योग बिटरिया हुई गई है।
संभालो, थोड़ा महलों में जा रहे हैं। जैसे ही राजा आए महलों में, रुक्मणी मैया दौड़ के आई, हाथ पकड़े ले गई और सुंदर सो पलंग नवाए दो, बिठाए लो। राजा ने कहा, हे गोरी, क्यों तुमने बुला लिया मुझे, कहो ना अपने दिल का हाल। सोई रुक्मणी की माता आज हाथ जोड़ के बोली, नाथ तुम्हें ना ध्यान है, लली सियानी हुई है। रानी बोली, हाथ जोड़ के नात कही सब बात की। रानी बोली, और रक्षा बंधन आई गयो अब ही तो हो जाती है तो माता पिता को सुख की नींद नहीं आती। सोचते हैं ऐसा कौन सा दिन मिले जिस दिन अच्छो घर ऊपर मिल जाए, शादी कर दे। मेरे भैया, समझाते हुए आज रानी कहने लगी, अब विवाह कर देना चाहिए बेटी का। अच्छा एक बात बताएं, कछु माता पिता वे जानिए ना पाओ तो कि हमारी बेटी अब सियानी हुई गई। एक तरीका है जानना, जब सुंदर पवित्र लड़की 17 वर्ष की हो जाए, ध्यान रखो, जब द्वारे पे जाए और बाद में तुरंत ही शीशा देख के मुस्काए, तो समझ ले अब इसको ब्याह कर देना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान। आपस में ही जब बात करने लगे शीशा देख देख के, हाँ, तो समझ लेना चाहिए अब इस फुलवारी के लिए काऊ माली की जरूरत है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और उसी समय
राजा ने कहा अपने पुत्रों को बिठाऊंगा, सलाह करूंगा आखिर क्या करना चाहिए। दरबार में गए, पांचों बेटा बुलाए, रुकुमी रुकुम रत रुकुम गाऊ रुकुम कैसी रुकुम माली। बेटा आप सब लोग बैठे हो, मुझे ये बताओ तुम्हारी बहन स्यानी हो गई, उसके लिए कोई बर हो तो बताओ। तुम भैया, सबसे बड़ा बेटा था जिसका नाम था रुकुम, नशा कर लेता था, दारू पी लेता था, हाथ उठाकर बोला पिताजी हमारी नजर में है एक सुंदर बर, क्या नाम है उसका बेटा? तो रुकुम बोला, अरे सब राजन सिर मोर रे शिशुपाल नजर मेरी सिंह दादा प्रभु की पवित्र पावन कथा में 101 मुद्राओं का सुंदर दान कर रहे हैं। भगवान कल्याण करें, दया दृष्टि बनी रहे। चंदेरी का राजा शिशुपाल, दमघोष का पुत्र वो राजा भी है, और सुनो बहुत सुंदर जोड़ी बनेगी रुक्मिणी बहन के साथ। राजा भीष्मक ने कहा रुकुम तुम्हें होश है, तुम क्या कह रहे हो? वो रिश्ते में तेरा साला है जिसके लिए तू कह रहा है। रुकुम कहने लगा पिताजी तो क्या हुआ? अरे रिश्ते में साला ही तो है। भीष्म कहने लगे मूर्ख कहीं के, वो तुझसे बहनों ही कहता है और तू उससे बहनों ही कहेगा, इससे जीजा कहेगा तू? रुकुम बोला पिताजी जब उसने मुझे अपनी बहन दे दी तो मैं भी उसे अपनी बहन दे दूंगा, इसमें कौन सा पार टूट पड़ेगा? और जिस दिन वो मुझसे जीजा कहेगा उस दिन हम नहीं कहेंगे, हम दूसरे दिन कहेंगे। भीष्म कहले खामोश मूर्ख कहीं के, शिशुपाल के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते। उसी समय महाराज सबसे छोटे पुत्र ने कहा पिताजी हमारी बहन के जो दूल्हा बनेंगे वो द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जो द्वारका के राजा हैं, और नारद जी ने तो कहा था। रुकुम कहने लगा पिताजी वो छलिया, वो नटखट, वो नचेरा, बंसी की धुन पर गोपियों को नचाने वाला, यदि पिताजी वो मेरा बहनों ही बनेगा तो मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसका मुझे चाल चलन पसंद नहीं है। जिसके माता पिता का भी खूब पता नहीं है वो मेरी बहन का विवाह करेगा? नहीं। जो 11 साल तक नंद के घर और माखन से गुजर चलाता रहा, नापा कमली चाहिरो का जो जूता I'm
युग युग जियो के अमर फल हो रक्षा करे वो तो खटक खटक और मटक मटक और चटक चटक जब चलता है लड़कियों की चाल चलता है लेकिन संसार अंधा उसी पर मरता है। रोकम कहने लगा पिताजी अगर इस चौखट पर बारात आएगी है? रुकुम कहने लगा पिताजी अगर इस चौखट पर बारात आएगी तो डोली की जगह अर्थियां उठेगी और सबसे पहले अर्थी उसी की उठेगी जिसके हाथ में बंसी होगी। लाशें बिछा दूंगा। पिताजी ने कहा पुत्र ऐसा मत करो बेटा। अब ये बात रुक्मणी को पता लगी कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ करना चाहता है। हाय बिचारी की रोटी ना अच्छी लग रही है, भूख की प्यासी रोए रही है, क्या करूं अब मैं, क्या करूं कहां जाऊं। जैसे ही आया रुको रुको बहना को रोते देखा, क्यों रो रही है। रुक्मणी बोली हाथ जोड़ भैया हमारे पिताजी जहां हमारी शादी करें मैं तो वहीं जाऊंगी। रुकुम कहने लगा अरे लड़की जबान चलाती है तो तेरी शादी उस गवार ग्वाले के साथ करना चाहते हैं जिसके घर में माखन दूध दही यही सब है। माखन और दूध दही जाकर के बिलोएगी तू और मैं तेरी शादी अपने सारे शिष्यपाल के साथ करना चाहता हूँ उसमें तुझे सरदर्द हो रहा है महारानी बन के रहेगी तेरे ठाट हो जाएंगे। रुक्मणी बोली नहीं भैया तू मेरे आंतों की माला बनाकर अपने गले में डाल ले मेरी दोनों आंखें निकाल ले परंतु मेरे गले में यदि बहियां पड़ेंगी तो मेरे श्याम की। रुकुम कहने लगा बेहोश लड़की ऐसा मैं होने नहीं दूंगा और तुरंत जाकर के इस रुकुम ने एक पत्र लिखा अपने साले के लिए पत्र लिखो कि बहन मेरी ऐसा ना हो कहीं वह मुरली वाले से ज्यादा प्रेम कर बैठे तुम इससे ऐसा करो जल्दी से आ जाओ और मेरी बहन को हम राजी हैं तो बस लिवाए ले जाओ हम कर देंगे मेरे पिताजी नहीं राजी हैं हमारी बातों पर। उस नशेड़ी ने पत्र लिखा अपने साले के लिए क्या अरे सिद्धि श्री शिष्यपाल के दरबार में पत्र दे देना शिष्यपाल को देना। अब भैया जो पुरोहिती का कार्य करते थे नाई पंडित चले भैया पहुंचे जाएगी चंदेरी में। महाराज पहरेदार लगे थे उन्होंने जाकर कहा हम कहें सभा के बीच सुनो तुम ए जी अब कुंडनपुर से रुकुम ने लगन दे के भेजी महाराज कृपा कर लीजिए इसे चढ़ाई पल पल देर लगत भैया ये
बरस समान मोह जाए। मेरा एक एक क्षण बड़ा कीमती है, जल्दी से ये पत्र दे दो शिशुपाल राजा साहब को। तो पहरेदारों ने कहा चलो अपने आप चलकर दे दो। और जैसे ही महाराज वो पत्र लेकर के पहुंचे, बेई नाई पंडित शिशुपाल को दे दिया पत्र। शिशुपाल ने पत्र को पढ़ा और पत्र पढ़ करके शिशुपाल महाराज बहुत खुश हो गया। ऐसे पढ़ता है, अरे वाह ऐसे जीजा सबके हों। अब बताओ अपनी बहन को टीका हमारे लिए दे दो। अब साफ साफ लिखा है जल्दी से दूल्हा बन करके आओ। ऐसे बहनों ही तो दीपक लेके ढूंढन जाओ ना मिलेंगे। अच्छा बहुत तो नशेड़ी था, उसने पत्र भेजा और इसके अंदर नहीं था भेजा। इसने पत्र पढ़ करके तैयारी करना शुरू किया। मंत्री पास में बैठा था, उसने कहा शिशुपाल राजकुमार जी ये बताओ इस पत्र में क्या लिखा है। अरे सुनोगे तो तुम हंसोगे, मेरे बहनोई रुकुम राजा ने मेरे लिए अपनी बहन का टीका भेजा है। मंत्री ने हाथ जोड़ के कहा राजा साहब थोड़ा बुद्धि लगाओ, वो तो नशेड़ी है, तुम्हें तो थोड़ी बुद्धि है, अपनी जहां बहन कर दी जाती वहां रिश्ता ऊंचो हुई जाती, वहां तुम पैर छूते हो और फिर अपने बहनोई की बहन तुम कैसे कर सकते हो, का पागल होगी फंका रखी है। शिशुपाल बोला मंत्रियों तुम लोग ज्यादा बातें मत करो, तुम्हारी अगर हमने बात मानी तो इतनी सुंदर लड़की हाथ से निकल जाएगी, मुझे तुम्हारी एक नहीं माननी है। तो भाई नाई और पंडित जो गए थे बेचारे बेवकूफ लगे, मंत्री जी आप सही कह रहे हो, इन्हें हम तो देखो उनके भेजे हुए हैं, अगर हम ऐसा ना करते पत्र ना लाते तो हमारी सजा करता वो, लेकिन इनको थोड़ा समझना चाहिए, ये तो रुकुम के साले हैं तो इनको थोड़ा समझना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिशुपाल इतना नाराज हुआ उन नाई पंडित पर, पत्र लेकर के आए हो औकात में रहो, उसे तुमको हम लड्डू पेड़ा दही जलेबी रसगुल्ला भोजन करा के यहाँ भेजते, लेकिन अब शिशुपाल ने हुक्म दिया जल्लादों को बुलाया, जल्लादो तलवार लेकर आओ। तलवार लेकर के जल्लाद आए। इस शिशुपाल ने पहला हुक्म ये दिया, नाई पंडित को जल्दी से अवशी सौ मित्र उतार। नाई पंडित चिंता ना बच के जाए, मारो इन्हें। और जल्लादों ने जब ऐसा नहीं किया तो अपने हाथ में तलवार उठा ली शिशुपाल ने। अरे अपने हाथ शिशुपाल ने दे ले लो जान दुधारो, टीका मेरे लिए भेजो, अब साफ लिखो जल्दी से आओ दूल्हा बन के ब्याह करेंगे बहन को। भाभी बोली कब पकलाई गए, अरे बहन की ननद के साथ विवाह हो सहे। शिशुपाल कहने लगा भाभी ज्यादा बातें मत बनाओ, दूल्हा बनाओ दूल्हा,
भाभी मन में सोचने लगी अगर हमने जाके खिलाफ चलना शुरू करो तो उल्टी सीधी हमको कहेगो। सो मोहल्ला की लड़कियां बुलाई लाई और घर में कोई राजी ना आई। मोहल्ला की लड़कियां आई और भाभी कहने लगी बनाबो एका दूल्हा। सो भैया आज दूल्हा बनन लगो वो शिशुपाल पटा पर बैठ गए दूल्हा सजन लगो बन। भाभी ने दूल्हा बनाया। जब दूल्हा बनाया तो जब दूल्हा चले तो भाभी को कहो असली काम काजल लगा। काजल को ले को जब देवर जाते ब्याहन तो भाभी आओ दे काजल लगाओ। तो काजल लगौती जाती और धीरे धीरे समझौती हो जाती शिशुपाल की भाभी जी का बोली अरे काजरू लागी देन दिबर के नैन दिखाई दो पट्टा। अब तुम्हारो पत्र हमने पढ़ लो है लला देवर वही मां दुई दूलन को जिक्र है एक तुम जाई रहे हो एक वो बंसी वारो कन्हैया भी आनो को है। अरे काजरू लागी देन पिमर के नैन दिखाई दो बट्टा। मां तुई दूल्हा एक नार पर दिखाई दो बट्टा और वहां दुई दूल्हा एक नारी परेगी रट्टा। धरी देव मोर उतारी भाई अच्छो है धरी देव मोर उतारी कहे उचारी धरे का गट्टा। और बात दुई दूल्हा एक नारी परेगो रट्टा इसलिए अभी समझ जाओ देवर। सोई भैया शिशुपाल कहने लगा चिंता मत कर भाभी मेरे साथ में सेना जाएगी वो आने दो बंसी बारे खाना को देख लेंगे। तो भैया कैसे कैसे बराती चले हैं शिशुपाल के साथ। पांचों पंडवन को न्यूतो दो दुर्योधन को निमंत्रण करण को निमंत्रण और महाराज और भी जितने भी उसके प्रेमी हैं सबको निमंत्रण दिया है इसने ध्यान देना। बारात में चलने के लिए अरे कछु सज गए मकाना हाथी कांधे पे धनुष और बाण तेग हाथन में कछु सज गए मकना हाथी रे चिंगाड़े धधके छाती
अब महाराज चल करके ये बारात लेकर के शिशुपाल पहुंच गया कुंडनपुर। रुकुम को पता लगा, जनवासा बना दिया, टिका लिया। और जब महाराज बारात आई गई गांव, तब गली गली में शोर हुई गो, गली गली में शोर होएगा कि बारात आई गई, रुक्मणी की बारात आई गई। कहां से आई, कहां से आई, चंदेरी से आई, कौन हुआ हो दूल्हा बन के, हाय शिशुपाल आओ है, रुकुम को सालो आओ दूल्हा बन के। रुकुम का साला आया। ये बात जब रुक्मणी के कानों तक पहुंची, रुक्मणी रोने लगी, ये मेरा कैसा भाग्य, मेरा कैसा, मेरा भैया मेरा विरोधी बन गया, क्या करूं आज, बहुत बिचारी दुखी है। सिसक सिसक करके कहती है, श्याम मैंने 11 साल ते ओ मोहन जा तुम से जा प्रीति लगाई, मैंने 11 साल ते ओ मोहन मैंने तुम से प्रीति लगाई, भैया बैरी देखोगे तुम यदि तुमने मुझे स्वीकार ना किया प्रभु। अरे गिरी तो गई अब पलंग के ऊपर, अरे नींद ले लो दवाई, अरे गहरी नींद में ए भैया गिरी सपनों पड़ो। रुक्मणी को सपना होने लगा, अरे सपने में भी श्याम सुंदर अब रुक्मणी को रहे जगाई है। रुक्मणी ओ रुक्मणी, रुक्मणी रुक्मणी उठो, मैं आ गया हूं। सपने में रुक्मणी उठी, भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, शेर की शिकार और कोई गीदड़ ले जाए नहीं हो सकता ऐसा, चिंता मत करो। और भगवान ने रुक्मणी को अपने गोद में बिठा लिया और बोले चिंता मत कर, अरे यार तगा बाज हो उस यार की ऐसी तैसी, कोई कैसे ले जाए। अरे गोद में बिठाई के, अरे श्याम ऐसे गोद में बिठाई के, श्याम ऐसे कोई कैसे ले जाए इस काल की। लेकिन देवी सच सच बताओ तुम्हारा मन क्या कहता है मेरे साथ जीवन जीने का। रुक्मणी बोली हाँ नाथ, मैं तो बस आपके ही सहारे हूँ, और बात ऐसी है ये दिल तुम्ही पर आया है, ये दिल तुम्हारे सिवा किसी को पसंद नहीं करता, और बात भी सही है। और प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल,
प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए वो चूल्हे में जाए दिल। ठीक है, भगवान ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुम एक चिट्ठी भेज देना, एक पत्र भेज देना। अब इतना कह करके मेरे श्याम उस रुक्मिणी के सपने से अंतर्ध्यान हो गए, और जैसे ही श्याम अंतर्ध्यान हो गए एकदम रुक्मिणी भौचक्की सी जाग पड़ी, श्याम कहाँ गए, वहां तो कोई नहीं है, अभी तो श्याम थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। और रुक्मिणी सपने पर गुस्सा होने लगी, सपने पर खींचन लगी, वो कहा बोली ये सपनो तूने श्याम को मिलाओ, आंखी खुली तो कछु ना पाओ, सपनो तो मरवाई हो कियो कले जो ठेस, और सोबत हते हम दुई जने और जब जागी तब एक, तो सपनो कोने में से खान लगो पगली हमें मरवाएगी, सपनो कहे पुकार के क्यों मरवाई है मोए, शुक्र कर बरसों को पिछड़ो तेरो पिया रात मिलाए दो, क्यों तू नाराज हो रही है मुझ पर मेरे भगवत प्रेमियों, एक कवि की कल्पना है, समय गुजरा, रुक्मिणी रोना कम नहीं करती है। एक बाबा जी आए भिक्षा मांगने और वो द्वारे पर पहुंच गए, गीत गा रहे थे, ब्रज भूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, बड़ा मुश्किल से होता है दीदार कन्हैया का, सड़ा खासे भगवान दास जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है, कल्याण हो दयादृष्टि बनी रहे, परम पिता परमात्मा रक्षा करे, और प्रसाद ले लो दादा, ध्यान दीजिए। उसी समय बाबा जी ने कहा बेटी तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो, तुम तो राजकुमारी हो। कहने लगी बाबा जी मैं राजकुमारी हूँ, मेरा ही तो विवाह अटका हुआ है, ये जो बारात गांव में टिकी है जो हमारी बारात है, लली फिर अभी से काहे रो रही हूँ, विदा पर रो जात, अभी काहे रो रही हूँ। कहने लगी बाबा जी जब मेरी शादी ना हो रही है, जब मेरी बर्बादी हो रही है, बर्बादी इसका मतलब क्या तुम्हारे मन से नहीं, नहीं बाबा जी पहले एक बात बताओ, ये जो दूल्हा बन के आया ये मेरे सगे भैया को सालो है, मैं कैसे चली जाऊं। बाबा जी बोले बाजी वाह ये ऐसा सब किया किसने। रुक्मिणी ने कहा मेरा बड़ा भैया है इसका नाम है रुकुम, वो नशा कर लेता है, दारू पी लेता है, मदिरा के नशे में रहता है, उस बड़े भैया धूर्त ने ऐसा सब किया है। बाबा जी बोले बिटिया फिर चाहती कहा। रुक्मिणी ने कहा बाबा जी आपके पहिया लागू, एक बात मेरी सुन ले हो, मेरी जिंदगी अगर तुम बचाए दे हो तो तुम्हें बड़ो पुण्य मिलेगा। क्या मतलब। रुक्मिणी बोली एक हम चिट्ठी लिख दे और मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचाए। बाबा जी बोले अच्छा बिटिया जो ही बोले सोई सांकर खोले, हमें मतलब ना है ललित तेरो ब्याह तू जान होए का मतलब। रुक्मिणी उठाई लाई कटारी अपने गर्दन पे रखी दी, बाबा जी या तो मेरो पत्र पहुंचाए दे द्वारिका, और ना ही तो अपने में कलेजे में छुरी मार करके मर जाओ, और जैसे ही छुरी ऐसे करीब आने बाबा जी दौड़ पड़े, नहीं नहीं बेटी नहीं, रुक 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 बेटा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं करते ऐसा नहीं करते, मरो ना लली, ला पत्र लिखो जल्दी जल्दी पत्र लिख, बाने पत्र लिखो। अरे दीन दयाल सुने जन पर गिरते हैं, पत्र भीग जाता है,
आंखों से भगवान की सूरत देखने को मिल जाती है। जिना आंख न से घन श्याम न देखे ऐसे महाराज पत्र लिख दिया ब्राह्मण जी को दे दिया ले पंडित जी लेके जाओ। अब पत्र लेकर के बूढ़े ब्राह्मण चले मन में सोचा था कब तक पहुंच पाएंगे हैं? चलते चलते महाराज एक पीपल वृक्ष की छाया पड़ी है घनी हड्डियां चटकन लगी एकदम दुखी हुई गए वहीं लेट गए। अब नायमों पे चलो जाते और पंडित जी वहीं से भगवान को पुकारने लगे हे प्रभु तुम तो कण कण में रहते हो सुनो पुकार तुम्हारो लाइरे संदेश हो। मोई भी समकी बिटिया ने भेजो है सुनो सावरिया नीचे लगाया और भगवान की आई योग माया और उठा के उनको द्वारिका में लिटाया। अब जैसे ही पंडित जी की आंखें खुली बड़े बड़े महल खड़े हैं भैया कौन सा नगर है ये नगर है द्वारिका। अच्छा द्वारिका अच्छा भैया द्वारिका आए गए सोए थे पीपल वृक्ष के नीचे द्वारिका आए गए। अच्छा भैया यहाँ पर श्याम सुंदर रहते हैं। अरे हाँ बहुत बड़ा भवन है उनका बना है जो सामने वाली अटाली देख रहे हो तो उन्हीं की है। चले जाओ पंडित जी एक सभा लगी होगी और सभा के बीच में जो सबसे कारो कारो नजर आवे समझ लियो बे यही श्याम सुंदर। पंडित जी बोले कारो 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 है कौन कन्हैया। अरे हाँ जाओ। अब पंडित जी महाराज गए ऐसे निहारते 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 पहुंचे उग्रसेन का दरबार लगा था। एक तरफ हलवाले बैठे थे बलराम मंत्री लोग बैठे थे और हाथ में एक बंसी पकड़े कोई कारो कारो बैठो है। बाबा जी ने देखो का जेई कन्हैया है का पूरो करू हाय रुक्मणी तुमने कुछ विचार ना करो जब जब कार्य कार्य से विवाह करने की जिद्दी करे बैठी हो अच्छा देख भारी करो जाते ऐसे ना कर लो जाते। अच्छा पंडित जी देखत रहे और तब तक श्याम की निगाह पंडित जी पर हो गई। बूढ़े बूढ़े खड़े हैं भगवान समझ गए जे लाए मेरो संदेशो तो भगवान मुस्कुराए और जैसे ही भगवान हंसे अच्छा जो कोई कारो हो खांसी दे तो वही के दांत ही दांत दिखात करो। एते श्याम सुंदर मुस्कुराने तो पंडित जी कहां लगे वारे वाह है तो सांवरो रुक्मणी तरह चटक गोरो नाए है तो सांवरो लेकिन मुस्कान तो बड़ी जादू भरी है जिसकी तरफ देख लेगो जे वो मोहित हो जाएगो।
इतना गजब का मुस्कुराता है। और सच बात है लोगों, घन श्याम तेरी बंसी जे हो पागल कर जाती है, घन श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन जय हो, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। करोड़न के जे कहो कन्हैया तुम लाला हो, गुप्त दान महादान भगवान करे कल्याण। गुप्त दान भगवान कल्याण करे। भगवान कन्हैया ने देखा, पंडित जी ने कान्हा की तरफ देखा, पंडित जी ने बुलाओ ऐसे इधर आई जाओ, थोड़ो निकले आओ। और पंडित जी बड़े आगे, कान्हा बड़े, भगवान ने वो देखा हाथ में पत्र है, ध्यान देना। सोई वो पत्र पंडित जी ने निकालो, अब कन्हैया के हाथ में धीरे से पकड़ा ही दो, ले पढ़ ले। और जैसे ही श्याम ने वो पत्र सबके बीच में खोलना चाहा, पंडित जी ने हाथ दबाओ, एकांतम एकांतम, क्योंकि ये सबके बीच में पढ़ने वाला पत्र नहीं है, इसे क्या कहते हैं, प्रेम पत्र। इंग्लिश में क्या कहते हैं, लव लेटर। अब देखो भाई, इंग्लिश में कह दिया तो लोगों को लग गया थोड़ा सा, हिंदी में कह दो तो थाई ये प्रेम पत्र है, पढ़ लो इसे एकांत में जाकर। और जैसे ही श्याम ने पढ़ा, अच्छा, उसी समय पंडित जी से बोले, पंडित जी हम तैयार हैं चलने को, लेकिन चलने की योजना बनानी पड़ेगी। कैसी योजना, हमारे जो नाना हैं हमें कहूं जान ना दे, बड़े भैया बलराम हलवाले मूसल वाले पे हटन ना दे, कहूं ऐसो है तुम वहां चल के बैठो चले, और थोड़ी देर में खांसन लगो, तुम्हारी ऐसो लगेगी तबीयत खराब हो गई पूरी। गुप्त दान महादान कल्याण हो। पंडित जी समझ गए कान्हा की चाल, वहीं जाएंगे सभा में बैठे खाए पी के। थोड़ी देर के बाद पंडित जी को भय ध्यान आया कन्हैया का, खांसी आने लगी उन्हें, कहां से, कुरसंडा ग्राम से। दिलीप गुप्ता जी 51 मुद्राएं दान कर रहे हैं, भगवान कल्याण हो, दया दृष्टि बनी रहे। पंडित जी खांसने लगे, तबीयत भैया ना है, काम कर रहे हैं। सोई
उग्रसेन नाना बड़े बूढ़े थे, उन्होंने कहा काना ये पंडित जी आए हैं, ये बेचारे बहुत दुखी हैं, पंडित जी का इच्छा है तुम्हारी? पंडित जी बोले हमारे अपने घर ले छुड़वाई दे अगर कोई वाहन हो। नाना उग्रसेन बोले काना किसी नौकर या सेनापति के द्वारा इनको घर तक पंडित जी को छुड़वा दो। काना बोले नौकर सेनापति काहे जाए, हम ही पंडित जी के सेवा में लग जाते हैं, हम ही पंडित जी को घर तक छोड़ आते हैं। और जैसे ही महाराज पंडित जी को रथ में बिठाया लेके चले रथ तो बलराम जी सामने से आए गए। और कान्हा ने कही पंडित जी ये बलराम भैया है, एक दाम और खास और बात बन जाएगी नहीं जी रोक लेंगे। तो पंडित जी बोले बलराम बोले ओरे कान्हा जे पंडित जी बहुत खास रहे हैं, कहा ले जा रही नहीं दबा ले इनकी दबा किसकी ले जा रहे वो तो पंडित जी जानते हैं। उसी समय काना बोले दाऊ भैया वहीं जा रहे हैं वहीं, नाम ना है कछु, कहां जा रहे हो दाऊ भैया? वहीं जा रहे हैं। अच्छा बहुत से लोग ऐसे ही बोलते बच्चा है बाहर खेल के आ मैं और मम्मी पूछे कहां गए राव, कहूं ना गए रहा है नहीं रहा है। और बच्चा कछु चुराई खाई ले पूछो कहां खाओ, कछु ना खाओ कुछ तो खाओ रोटी खाई खाली मतलब जाय रहे बताई भी नहीं रहे। तब तक पंडित जी बोले कुंडनपुर जा रहे, अरे महाराज थोड़ी देर चुप्पा रहते जरूरी तो भेद बोल लो बलराम भैया है जे बड़े दादा हमारे, इनको तो ब्याह हुई रेवती जी के साथ भाभी आए गए। अच्छा लाला अब समझ गए कान्हा तू जवान हो गए है, सबके ब्याह हुई गए तू ही कुंवारो है। अब हमने सुना है कुंदनपुर में मेला लग रहा है स्वयंवर का, बड़े बड़े राजकुमार जा रहे हैं, तो मेरा कान्हा का किसी से कम है, चलो लाला हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। बलराम ने हल मूसल सजाया सेना तैयार करी चलो। अब भैया पंडित जी को बिठाया रथ लेकर के श्याम सुंदर चले हैं महाराज। जा रहा है रथ आकाश में मानो उड़ गए जी बोले ठहरो ठहरो श्याम इस मंदिर के पास में ही रथ रोक दो, अंदर बहुत बड़ी सेना खड़ी है, वो रुकुम का साला सिपाही आया है, दूल्हा बनो बैठो इंतजार कर रहो कितनी देर में भौरी पड़ने वाली है, और श्याम अंदर जाने से झगड़ा बढ़ेगा यहीं रुक जाओ, और हमारे पास ऐसा तरीका है रुक्मिणी यहीं आ जाएगी। पंडित जी कहने लगे यहीं रहो तुम। पंडित जी महाराज जल्दी से कूदे रथ पर से और अंदर ही महाराज भागत चले गए। द्वारे पर पहुंचे रुक्मिणी रुक्मिणी तो महाराज भूख प्यास त्यागे बैठी है पंडित जी के इंतजार में। पंडित जी को देखो पंडित जी आए गए, हाँ बेटी आए गए। पंडित जी बे आए कि नहीं? अरे बे आए और तेरे जेठ भी आए, जेठ अषाढ़ के नहीं कही रहा हमने खाली उन्हें कही थी बुलाऊ न। हाँ बे आए हैं लेकिन मंदिर के पास खड़े हैं यहाँ नहीं आए, लली पूजा करने के बहाना मंदिर में चली जाओ वहीं से रथ में बैठी हो रफू चक्कर हो जाइयो, अब यहाँ ना आए हैं, यहाँ आएंगे तो लाई झगड़ा पड़ेगो। रुक्मिणी ने कहा पंडित जी तुम्हारा एहसान कहो जीवन में नहीं भूलूंगी, सुंदर से आरती तैयार करी अब श्रृंगार कर लो, अपनी मम्मी के पास गई कहने लगी मम्मी जा बताओ हमारो ब्याह कब हुई है। मम्मी बोली बेटा का बतावे बड़ा दिन हो गए, दूल्हा तो बहुत दिन से तैयार खड़ो है लेकिन लली अब इच्छा मेरी ना है। अच्छा मम्मी अगर हो तो कब हुई? बोली हो तो कल ही हुई, अब है हुई सकत
ललित तू काहे पूछ रही? रुक्मणी बोली, मम्मी हम इसलिए पूछ रही, हमें यही सो लगत मेरे मन से ना हुआ हमारी लग रहे हो कि हम तुम्हारे गले से लिपट खूब रोए ले। अम्मा बोली, ना बेटा अभी सुना रो न, अभी तो आंखें सूज जाएंगी। लेकिन रुक्मणी की बात का असर माता को नहीं पता लगा, क्या कह दिया। रुक्मणी बोली, मैया मोए रोए लेने दे, और रोने लगी रुक्मणी। अम्मा का मालूम का रोचक रचन जा रही है ललित जी है। रुक्मणी बोली, मैया पूजा करने जा रही हो, तुम जा सोचो ससुराल जा रही है और कछु ना। अरे दुल्हन बन के चले मैं ससुराल, दुल्हन बन के डरती थी भय सामने आएगा। रुकुम आ गया। रुक्मणी कहां जा रही हो? रुक्मणी एकदम महाराज शांत खड़ी हुई गई। क्या पूछा मैंने? कहां जा रही है? भैया पूजा करने जा रही है। तूने मुझे कल खान तो रहा है, कब पूजा ना कर सकती हमका? हाँ जा कर पूजा कर। रामकुंडली तुम भी जाओ साथ में, अकेले नहीं जाएगी, दो चार सहेलियां साथ में जाओ। अब साथ हम सहेलियां हो गई। रुक्मणी जा रही है जल्दी जल्दी, और जाए के मैया अलोपा देवी मंदिर में पहुंची। मैया की मूर्ति के सामने प्रार्थना करने लगी, मनु जाही राच उमिलई सोबरु सहज सुंदर सांबरु। रथ किनारे खड़ा है, मंदिर से निकली। ये कारा कारा रंग का कौन है? सुंदर मोर मुकुट बांधे, हाथ में बंसी है, पीतांबर पड़ा है। रुक्मणी सोचन लगी, जेई तो नहीं काना है, देखो तो कबू है ना। तो सोचन लगी, यही सो धो कान का हुई जाए, पूरी जिंदगी रोनक पड़े। भगवान कृष्ण के चक्कर में दूसरे के संगम को निकल पड़े। सोचन लगी, पहले पूछ ले जी कौन है। भगवान के पास बढ़ती चली गई आगे और बोली, ए परदेशी तुम्हारा नाम क्या है? तो भगवान बोले, हमारा नाम है काना। सहेलिया बोली, दीदी सिर्री है पागल है, दोनों आंखियों का काना। ये कानो ना ये, अच्छा तुम रहते कहाँ हो? तो भगवान का उत्तर क्या है? हम तो हर जगह रहते हैं, जहां कोई प्रेम से बोला आ जाते हैं। सहेलिया बोली, दीदी पक्को सिर्री? अरे अच्छो भलो घर को हो तो कहा तो हम यहाँ रात को कोई घर ही ना है। चलो चलो पूजा करो घरे चलो। रुक्मणी को परिचय लेना है। रुक्मणी बोली, अच्छा जी हाथ में का है? श्याम बोले, बंसी जरा बजाए के दिखाइयो, खाली हाथ में ले रहा था। भगवान बोले, ए रुक्मणी मोए पहचानन में इतनी देर लगाए रही है, और तूने अगर जब बजवाई बसुरिया तेरो भैया रुकुम सुन पई मेरी सब तोड़ रही पसुरिया, इसलिए ज्यादा बातें मत करो। भगवान ने कहा, अच्छा बातें मत करो, जल्दी से आओ। तो सहेलियां खड़ी हैं एकदम कैसे जाएं। तो रुक्मणी बोली, जरा हमें अपनी बंसी लियो, जरा देख ले कैसी है। तो भगवान ने इसे बंसी देने के लिए ऐसे करी, और रुक्मणी ऐसे करी तो रुक्मणी बंसी ना पकड़ी रही। रुक्मणी बंसी तो कोई आप पकड़ सकती रहे, लेकिन रुक्मणी नहीं बंसी ना पकड़ी। धीरे धीरे हाथ बोली, पानी ग्रहण करते हैं
पति पत्नी का, लेकिन मैंने तुम्हारा अब हाथ पकड़ लिया है, मेरा हाथ पकड़ करके छोड़ना नहीं। भगवान ने ऐसे पकड़ करके हाथ खींचा, तुरंत ही रथ पे आई गई और भैया श्याम बैठ गए रथ पे। रुक्मिणी रथ चलाने लगी, सहेलियां दौड़ी, रथ एकदम भाग गया दूर घोड़ों के साथ। सहेलियां बोली चेका भाव, रुक्मिणी दीदी चली गई, सो उल्टे ही भाग पड़ी और अंदर महल में पहुंची। हैं भैया रुकुम से कहा, भैया वो रुकुम भैया पूजा करने गई थी, ये तो चली गई, किसके साथ, कौन ले गया, कहां लगी, जब नहीं मालूम कौन रहा है, कई सो रहा है बता मैं। एक करिया करिया तो बहन को ले गा, सेना घेरी। अब वो जो दूल्हा बनो बैठो रहा है, उसे को जाई बताओ तुम यहाँ दूल्हा बने बैठे रह गए जाले भाई। अब तले वो कान्हा ले गया मेरी बहन को। शिशुपाल को क्रोध आया, सेना लेकर के आया, और जब भगवान के भक्त पांडवों को पता लगा, आए थे वो शिशुपाल की बारात में और भगवान की तरफ से सहायता करने लगे, कहने लगे श्याम सुंदर के रथ को घेरने का प्रयास मत करना, आए जरूर है शिशुपाल के साथ, लेकिन मेरे मामा के पुत्र हैं इसलिए मैं उनकी सहायता करूंगा। शिशुपाल बोले बात बहुत खराब हो जाएगी, पांचों पांडवों तुम गद्दारी कर रहे हो मेरे साथ, भैया डबल नाश्ता ले रहे पांडवा। उधर रुकुम ने जाकर के श्याम को घेर लिया और कहा, ए अभी तक तूने ग्वालन के घर जाकर के दूध दही चुराई है, ऐसे ही धोखे में आए के तूने मेरी बहन फुसलाई है, आजा दो वीर नहीं दो वीरों का बाला है, या तो तुम रुकुम के गुलाम बनो नहीं रुकुम तुम्हारा साला है। भगवान कन्हैया रथ पर से जैसे कूद पड़े, सोई रुक्मणी कहने लगी, सुनो 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 इधर आओ, पीतांबर पकड़ करके खींचन लगी, कान लगी जइयो ना मेरो भैया बड़ो बलवान है, और कस के घूसा मारे दे तो पहलवान ना उठ पाओ, और तुम तो छोटे से हो। मेरो भैया जबर तुम हलके हो पिया ठहर जाइए, उसी समय रुक्मिणी ने कहा मान जाओ प्रभु, भगवान ने कहा छोड़ मेरा हाथ, भगवान ने छिटक दिया और एकदम महाराज रुकुम को पकड़ करके युद्ध करना प्रारंभ किया। थोड़ी देर तक खिलाते रहे, उठा करके पृथ्वी पर पटका और जैसे ही गर्दन दबाने लगे, सोई रुक्मिणी सोची मेरा भैया मेरे श्याम के हाथों मर जाएगा, दौड़ करके आई कान लगी, मरियो ना मेरो भैया ही, रक्षा बंधन कबो कबो राखी तो मांग नहीं करो, तुम तो कतई दुनिया से मिटाए थी भैया। भगवान ने कहा देख तेरी बहन तेरी जान बकस रही है, छोड़ दिया। रुकुम की आधी दाढ़ी मूछ मोड़ दी, सर के बाल आधे सफा कर दे, बोले जा। और महाराज कुंडलपुर नहीं गया रुकुम, भोजकट नाम का भरथना जो शहर है ये रुकुम का बसाया हुआ है, जो आज भी है। अपने पिताजी को मुंह नहीं दिखाया, और जो दूल्हा बन के आओ तो शिशुपाल, अब वही को तो ब्याह भयो ना है, तो वही का बड़ा शर्म लगी कि अब जाए कहीं थे, अपनी भाभी हमारी कहती थी बिना दुल्हनिया के मुश्किल ही है तुम्हारो ब्याह हो आना पड़ेगा, तो अपनी लाज अपनो मुंह छिपाने के लिए जिस डोला में दुल्हन जाती है उस डोला में खुद बैठ गो, अब जाए कि डोला कहारन नहीं आंगन उतारो, कम से कम एक महीना तो शिशुपाल ने अपनो मुंह नहीं दिखाओ खाओ। उसी दिन से श्याम से बैर मानने लगा, कहने लगा ये मिले कभी हमको ग्वाला कृष्ण, 101 गाली भगवान ने माफ की थी शिशुपाल की। ध्यान दे रहा इस कथा में यहीं तक विराम, द्वारका में आकर के महाराज बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, भामरे पड़ी और महाराज अब
आरती का समय हो गया, विवाह कर नगर में आए खुशी सब में।